हेलो लाइफलाइन, कैसी हो? रात तो अच्छी गुजरी होगी, नहीं? अच्छा, ये सपनों में फाइल से मुलाकात रही या खाकसार से? फाइज के साथ गुजारे गए लम्हे मेरी जिंदगी का पूरा हासिल है। ऐसे लम्हों पे पूरी जिंदगी वार के फेंकी जा सकती है, और मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह की कि उसने तुम जैसे घटिया और कमजोर इंसान के साथ से बचा लिया। मारो और मेरा साथ इतना मुख्तसर नहीं था रीम, अभी हमें बहुत दूर जाना है। वो वीडियो क्लिप्स आपको डिलीट करने पड़ेंगे हर हाल में नासिर साहब। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारी सूरत नजर आना बहुत जरूरी है। कब मिल रही हो? तो हाँ, जगह बताओ। रुबस अगर मैं कहूं कि अभी तो मैं अकेले तैयार। कीमत बता, मैं लेकर आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सारी वीडियो क्लिप्स डिलीट करनी होगी मेरे सामने। डन है डार्लिंग। Thank you.
माफ कीजिएगा माँ कर्मा, आप कौन? पहचाना नहीं मैंने। फिजूल बातें मत कर। ये कीमत बताओ और मैंने सामान मुझे दो। लेकिन मैं तो तसल्ली किए बगैर माल नहीं दूंगा। अगर गलत हाथों में पड़ गया तो किसी मासूम लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। चश्मे बद्दूर ये भी हमारा ही माल था जो कोई और ले उड़ा। चली जाऊंगी। धमकी बंद दो, धमकी बंद दो। हम भी आशिक हैं तुम्हारे, पुराने ही सिंह। एक दीदार का तो हक हमारा भी बनता है। वैसे मुझे बहुत अफसोस है हमारी शादी नहीं हुई। बहुत अरमान थे मेरे तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के, लेकिन तुमने तो ना अरमानों का पास रखा न मेरे जज्बातों का। खैर, तुम्हारी वीडियोस रख के भी मैं क्या ही करूँ। डिलीट बस। अब कैसे यकीन कर लूं कि और सेव नहीं किया? तुम्हारे पास यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हरीम बीबी। चलो, वक्त नहीं है मेरे पास, मेरा वक्त बहुत कीमती है। माल लाओ, मेरा टाइम नहीं है मेरे पास। अपने जेवर बेच के जो रकम मुझे मिली मैं देने के लिए आ गई हूँ। अल्लाह से डरी जो मेरा आप हम सबका परवरदिगार है, जो जुल्म और ज्यादती को पसंद नहीं करता। मेरी जिंदगी की खुशियों को अपनी जागीर मत समझिए प्लीज। फाइस के साथ मेरा नसीब अल्लाह ने लिखा, इसको अपनी जिदराना का मसला मत बनाए। मैं बेटी हूँ किसी और बहन नहीं। याद रखना कि आपकी भी बहन है। मजलूमों की बदौस दरीफ का उम्मीद करती हूँ कि अब आप मेरे रास्ते में कभी नहीं आए।